हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमरे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो में इन तक बने रहे। गाइस, आज जो है सो महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है सो बाबा भोलेनाथ की नगरी तो जाना बनता है। तो मैं अभी हूँ कोटा में, आप लोग भी जानते। तो कोटा में बाबा भोलेनाथ की नगरी कहाँ पर है? तो कोटा में बाबा भोलेनाथ की नगरी जो है सो शिवपुरी है, जो मैं जानता। तो मैं आज जो है सो शिवपुरी चलने वाला हूँ। शिवपुरी के बारे में ऐसा मान्यता है कि एक यहाँ के साधु हुए थे, जो कि 1980 के समय की बात है। तो वो जो है सो नेपाल गए हुए थे, वहाँ पे एक ऐसा ही मंदिर है, यहाँ पे 525 शिवलिंग है। तो वो वहाँ गए हुए थे, तो उन्हें वहाँ जो दर्शन करने नहीं दिया गया। वहाँ का जो थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग था, वहाँ था कि आप जैसे जो भी फूल प्रसाद माला लेकर के आए हुए हो, पुलिसकर्मी को दे दें और आप जो है सो घुसे और निकले, मतलब दर्शन वो सही से कर नहीं पाए। तो उन्होंने यहाँ आकर के ऐसा उन्होंने ठाना कि मैं जो है सो जाऊँगा और ऐसा ही स्थापित करूंगा। तो उन्होंने यहाँ के राजघराने से बात की और राजघराने के परिवार की जमीन थी, तो उन्होंने दी और राजघराने के परिवार की जमीन पे जो है सो शिवपुरी की स्थापना हुई। पहले जो है सो बहुत छोटा मंदिर था, लेकिन उसके बाद जो है सो शिवपुरी की स्थापना हुई और 525 जो है सो शिवलिंग लगाए गए। इंडिया का मात्र एक ऐसा मंदिर है जो कि इसमें 525 शिवलिंग है, इंडिया में और कोई नहीं है। और नेपाल में, एक मैंने बता ही दिया पहले कि नेपाल में। तो चलिए, आज हम लोग वहीं चलेंगे। चलना है मेरे को साइकिल से, तो मैं सबसे पहले जो है सो अपने रूम को लॉक करूंगा, उसके बाद साइकिल निकालूंगा अपना, और साइकिल निकाल कर साइकिल से चलेंगे। वीडियो में इन तक बने रहिएगा, चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा साइकिल और अब मैं इसी को लेकर के जो है सो चलूँगा। तो चलिए चलते हैं। चल जा रे बसंती, पूरे जारे बसंती। अभी जो है सुबह का टाइम है, अभी जो है सन सूर्योदय भी नहीं हुई है। चलिए अपन चलते हैं। यहाँ से हल्का हल्का लग रहा है कि सूर्योदय हो रहा है, लालिमा आ गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है सो तलवंडी में रहता हूं, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तलवंडी का एरिया है। और यहां से मैं विज्ञान नगर होते हुए जाऊंगा, तो मैं तलवंडी से जो है सो जवाहर नगर वाली रोड में जो है सो निकल रहा हूं। इस सामने जो रोड दिख रही है वो जवाहर नगर वाली है। तो अब देखिएगा जो है सो ये सूर्योदय दिख रहा है हल्का हल्का। ये जो है आगे दिख रहा होगा आपको, PW के बच्चे जा रहे हैं क्लास करने के लिए। ये अपने विद्या के मंदिर में जा रहे हैं, मैं धर्म के मंदिर में जा रहा हूँ। तो ज़्यादा स्पीड अब नहीं चलाना है, नहीं तो गिरते गिरते भी बचे हैं। बहुत दिन से साइकिल चलाने का जो है प्रैक्टिस ख़त्म हो चुका है, फ्लो फ्लो में बढ़ जाते हैं, बट आराम से ही चलना है। ये जो है सो LN की कॉमर्स वाली बिल्डिंग है। ये आपको दिख रहा होगा LN कॉमर्स। ये हॉस्पिटल है। तो चलिए अभी जो है सो मैं शीला चौधरी लाइन में चलता हूँ। लगता है ये लोग सोए हुए हैं। सो गाइस, मैं राज के रूम पे आया था। राज जो है सो बहुत टाइम लगाया है तैयार होने, वो तैयार हो चुका है। और चलिए अब जैसे चलते हैं हम लोग साथ में सब लोग। और ये रहा मेरा साइकिल। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो साइकिल है वो निकल रहा है। ये है कैमेरा XY का साइकिल।
तो देखिए राज भाई जो है सो पैदल चलते हुए कह रहे हैं कि हम दूसरा साइकिल लेंगे। मोबाइल पे बहुत ज्यादा कचरा आ गया है वो कुंदन भाई। तो गाइस ये बहुत लेट कर रहा है, कह नहीं सकते हैं। देखिए देखिए इनको गिरी दिखाते हुए। सो गाइस ये देखिए आगे जो है सो राज जा रहा है और बगल से कुंदन भाई है और हम जो है सो पीछे आराम से जो है सो चलाते हुए आ रहे हैं साइकिल को, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने साइकिल लिया है। तो और ये विज्ञान नगर से आगे की ओर वाली रास्ता है, मेरे को नहीं पता है कौन एरिया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ जहाँ वो पता है सही है। केविडेक भाई तुम उल्टा पैडल घुमा रहे थे, सीधा घुमाया जाता है। अरे भाई रोक रहे हैं तुम लोग के लिए। सो भाई ये जो है सो रेलवे लाइन है और आगे जो है सो कुंदन भाई और राज भाई चल रहा है, पीछे से हम भी आ रहे हैं और इसको ओवरटेक करना है, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। और बगल में एक अंकल जी आ गए इसलिए हो नहीं पा रहा है, और चलिए करते हैं तो ओवरटेक। अब जो है इसमें अच्छा ये सॉरी गोदाम है लगता है, FCI का दाल मिल है, वही गोदाउन है दाल मिल का जो है सो गोदाउन है। ऐसा ऐसा भी जगह है कोटा में जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइस देख पा रहे हो कि ये लोग जो है सो आ रहा है एकदम आराम आराम से ब्लॉगिंग करते हुए। तो चलिए अपन लोग चलते हैं। आगे जो बहुत ज़्यादा लाही है जिसके कारण जो है साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा कपड़ा भर चुका है। खैर कोई नहीं, अपन को तो जाना ही है, चलिए अपन चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि दो यूट्यूबर्स एक साथ 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 चले हैं शिवपुरी धाम के लिए। आज से पहले हमने साथ में ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। आज से पहले हमने साथ में ब्लॉग कभी नहीं बनाया, फर्स्ट ब्लॉग है जो हम लोग साथ में बना रहे हैं केविडेक्स भाई के साथ। केविडेक्स भाई यहाँ पे इतना कीड़ा क्यों है? पता नहीं कहीं सरसों का खेत कटा है बगल में किसी गाँव में। अच्छा सारी नहीं हमें लग रहा था युगांडा के जंगल से कीड़ा। तो भाई ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया जाती रास्ता उसी से होकर के मेरे को जाना है। देखिए ये मस्त नजारा दिख रहा है इधर की ओर की रास्ते की ओर। चलिए अब अपन लोग आगे चलते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाई आ गया है, अपन लोग को लगता है उतर करके चढ़ना पड़ेगा, संभव नहीं है लग पा रहा है। ये देखिए गाड़ी जो है सो बैक हो जा रही है तो अपन को भी उतरना पड़ेगा। राज भाई उतर चुका है, अपन भी देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। सुबह यहाँ पे देखिए पुलिस जो है सो रोक रखा है। सुबह हम लोगों को परमिशन मिल चुका है स्पेशल परमिशन के थ्रू, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो जाने नहीं दिया जा रहा था इधर से। लेकिन उन्होंने परमिशन दे दिया है कि आप जा सकते हैं। इधर फोटोग्राफी चल रहा है, इधर देखिए मस्त जो है सो नहर है एकदम पानी का मस्त सीन। चलिए अपन लोग चलते हैं। इधर भी देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, बट हम लोगों ने पूछा गया कि कहाँ जाना है, हम लोगों ने बता दिया तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो जाओ। तो देखिए एकदम मस्त जो है सो पूरी भीड़ लगी पड़ी है, अपन को तो आज डर लग रहा है। ये देखिए मस्त जो है सो भीड़ है। अरे बाप अपन लोग को तो लाइन लगनी पड़ेगी इतनी लंबी, तब जाकर के जो है सो अपन लोग जल चढ़ा पाएंगे। देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन है, ये जो है इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है और ये जो है तभी जाने दिया जाएगा। तो अपन लोग बाप क्या करें समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं कितना देर बाद अपने का नंबर आएगा। आई विल ट्राई इट कि जल्दी हो जाए, बट बहुत लंबी लाइन है। अपन जा रहे हैं अभी साइकिल लगाने के लिए, पार्किंग स्टैंड है कि यहीं पे कहीं, तो वहीं पे लगाएंगे। तो पार्किंग स्टैंड में जाकर के साइकिल लगाएंगे। भाई पार्किंग स्टैंड नहीं है क्या? अरे यार परेशान हो गया है, कहाँ लगेगा अपनी साइकिल। सो गाइस देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कहीं साइकिल लगाने का जुगाड़। पता चला कि यहाँ स्टैंड है नहीं और साइकिल लेके आकर के हम लोग फंस गए हैं। सो गाइस हम लोग जैसे यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं अब, तो देखिए यहाँ पे राज भाई भी अपना खरीद रहा है, ब्लॉग भी बना रहा है साथ में।
ऑनलाइन पैसा लेते हैं। चलिए पकड़ गए। देखिए ये जो है सो आरएसएस वाले भैया लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस जो है सो हम लोग जो है सो सारा चीज तो ले चुके हुए हैं, लेकिन जो है सो घी खोज रहा था, क्योंकि घी पंचामृत ये सब चढ़ाया जाता है। देखते हैं आगे कहाँ की मिलता है, अपन ट्राई तो करेंगे जरूर। और भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम अपन लोग को लगता है कितने देर लगता है देखिए जल चढ़ाने में। सो गाइस अपन लोग जो है सब इंटर कर रहे हैं अंदर की ओर, चलते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत लंबा भीड़ है, देखते हैं अपन लोग कितना देर में पहुंच पाते हैं यहाँ तक। तो चलिए अपन लोग चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है कुछ लोग नहा भी रहे हैं, तो अपन लोग सब चीज एक्सप्लोर करेंगे, पहले ही बता दिया है। तो शिवपुरी धाम का जो है हर एक चीज एक्सप्लोर करेंगे अपन लोग, ये मेला की तरह लगी हुई है। और देखिए यहाँ पे बहुत लोग नहा रहे हैं। घी नहीं मिला, लेकिन घी जो है सो दिया मिल गया है, तो मैंने दिया ही खरीद लिया है। ये जो है सो पूरा लगी हुई पड़ी है मार्केट, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारे पीछे जस्ट पीछे जो है सो रेप स्टार राज भाई है, उसके पीछे जो है सो सुंदर भाई है। भीड़ बहुत ज्यादा है, हालत खराब हो रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत कड़क की है। देखिए बच्चों का जो है सो खिलौना है, ये हमारे राज भाई के लिए अच्छा होगा, राज भाई जो है सो अच्छा से लेंगे खिलौना। यहाँ पर फिर से जो है फेमिनिज्म होता हुआ, ओनली फीमेल अलाउड एंड मेल्स जो है सो लाइन लगा कर जाएंगे। और इधर जो है सो जय श्री राम के जो है सो झंडे लगे पड़े हैं। बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है और CCI की तरफ से जो है सो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं है दी। और ये देखिए राज भाई हमसे जो है सो ये करते हुए, ये देखिए पानी का जो है सो कितना मस्त ये चला है। देखिए भीड़ को देखते हुए जो है सो फोर्स बल को जो है सो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ अनकंट्रोल होती हुई दिख रही है, भीड़ जो है सो पूरी अनकंट्रोल होती हुई दिख रही है। अब जो है सो हम लोग आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। और कुंदन भाई और राज भाई के लिए बहुत सारा यहाँ पे खिलौना पड़ा हुआ है, कृपा करके ले लिया जाए, उन लोगों का भी कारोबार चलता रहे। और लाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को भी आगे बढ़ना होगा। चप्पल जूता स्टैंड लगता है यही है यहाँ पे, चप्पल जूता स्टैंड यही है, यहीं पे रखना होगा लगता है। अच्छा आगे झुलुआ भी है, देख पा रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, आगे झुलुआ भी है, उस पर राज भाई को बैठा करके झुलाया जाएगा आज। चावल के छल्ला पर जो है नाम लिखा रहा है यहाँ पर, और ये लोग पूजा करके जाते हुए। हम लोगों ने अपना चप्पल जो है सो खोल दिया है वहाँ पर। और ये जो है सो फेमिनिज्म है। और देखिए राज भाई इसी तरह कूद कूद कर नहाते थे बचपन में हिलालपुर में। हमें तो ऐसा मौका नहीं दिया गया कभी भी। जो है सो अपने बैग ड्रेस यूनिफॉर्म में जो है सो पहुँचा हुआ है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले जो है भोले बाबा, उसके बाद क्लास है। और ये देखिए बच्चों के लिए जो है सो यहाँ पे ये छोटा वाला झूला सब जो है लगा हुआ है। अब हम लोग जो है सो अंदर गेट के अंदर एंट्री करने वाले हैं। अभी लगता है समझदार नहीं है, भाभी को समझाए फिर भी नहीं समझ रही है। यहाँ पे देखिए भक्तगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, शिवपुरी धाम इनकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। राज भाई अपन सामान बचा के रखना, अपन सामान बचा के रखना, नोटिस लगा हुआ है देख लो। ये इन लोगों को पकड़ लिया गया है, अभी लोगों को भेंट होगा कि बिना लाइन का जाने का मतलब क्या होता है। हम लोग मंदिर के बहुत दूर लग रहा है, मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। देखिए जो है सो इतना अभी लंबा जो है सो अभी मंदिर बन रही है, नई नई दिख रही है, और अंदर में बहुत शोर शराबा होता हुआ जो है पुलिस बल की पूरी तैनाती है। यहाँ पे भी साउंड में जो है सो ये देखिए यहाँ पे जो है सो अगरबत्ती, ये
देखते हैं मुलाकात हो पाता है कि नहीं। जो भी लोग अपना जो है सो वहाँ पे सहयोग देना चाहते हैं वो लोग दे रहे हैं, अपन लोग भी प्रयास करेंगे, पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद। तो हम लोग जो है सो मंदिर में इंटर हो रहे हैं घर से। यहाँ से ये गाना गा रहे हैं। तू सब कुछ क्या मिलता है, मेरा दिल मानता है। तू सब कुछ क्या मिलता है, मेरा दिल मानता है। अरे भाई कहाँ होता है मंदिर की स्थापना किए थे। और यहाँ पे मीडिया वाले जाते हुए कहाँ है बाबू? जी न्यूज की जो है पत्रकार जो है सो ये अपना ब्लॉग लेते हुए
ये देखिए कितना ज्यादा जो भीड़ लग चुका है। खैर हम लोग भी वही पार करके आए थे। और ये पूरा मंदिर का बाहर से टेक्सचर रहा। ₹10 ₹10 ₹10 ये कुंदन भाई जा रहे हैं डुबकी लगाने। हाय भैया, बिग फैन भैया, यूट्यूब पे चैनल है आपका। अब जो है मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता है और अब जो है हम लोग पूजा वूजा कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ निकलते हैं, के लिए निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे तीन आदमी, राज ब्लॉग से और तीनों आदमी हम लोग निकलते हैं।